हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल लेसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे किसान भाइयों काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने सरसों की बुआई करी थी और उसके बाद जो बारिश हुई थी तो बहुत जगह पे बहुत एरिया में कि बारिश ज्यादा हुई थी तो इस वजह से सरसों में ज्यादा नमी हो गई थी, पानी भर गया था। तो उसके बाद हम कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी फर्टिलाइजर का प्रयोग करके हम अपनी सरसों को दोबारा से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके सही जवाब किस प्रकार से ले सकते हैं और अधिक पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं और अपनी सरसों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से काफी सारे हमारे किसान भाइयों की सरसों में पानी ठहर गया था जिस वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो दोबारा ग्रोथ को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी खाद का प्रयोग करके सही ग्रोथ मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत जरूर देखिए। किसान भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है जिससे आपकी जो ग्रोथ रुक गई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाए और आपका पौधा हरा भरा दिखाई दे और स्वस्थ दिखाई दे, जिससे आने वाले टाइम में आपको अच्छे फूल बने और अच्छी फलियां, जिससे आपको अधिक पैदावार मिल सके। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, जो हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारे अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो उन्हें देखने को मिल सके और काफी जानकारी ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसान भाई की बारिश बहुत ही अधिक हुई थी, काफी एरिया में तो बहुत ही अधिक बारिश हुई थी, जिस वजह से सरसों की फसल काफी ज्यादा नुकसान इफेक्ट हुआ है और काफी ज्यादा नुकसान भी देखा गया सरसों की फसल में स्पेशली, क्योंकि सरसों की कुछ हमारे किसान भाइयों ने सरसों की बुआई करी थी, बुआई करने के बाद तुरंत ही बरसात हो गई थी जिस वजह से पानी ठहर गया और काफी ज्यादा नुकसान देखने को सरसों की फसल में अधिक मिल रहा है। अन्य फसल में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस बारिश ने सरसों की फसल को ज्यादा इफेक्ट करा है। तो इसके बाद हम किस प्रकार से ग्रोथ दोबारा ले सकते हैं, काफी हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि अधिक नमी हो गई, इसके बाद डीएपी का प्रयोग कर देते हैं या किसी और का खाद का प्रयोग कर देते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप डीएपी या एनपीके या कोई और फर्टिलाइजर लगाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ना लगाएं। काफी हमारे किसान भाई डीएपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने ये चीज को नोट कराया है और काफी हमारे किसान भाइयों ने कमेंट भी कराया कि डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं इतनी सारी बारिश के बाद, लेकिन किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएपी का यहाँ पे कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम जीरो, आपका वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके, हमारे सरसों में बढ़वार दोबारा से हो सके। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश होने के बाद अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है तो वो है यूरिया का, क्योंकि किसान भाई, हमें यूरिया ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी सरसों की दोबारा हरापन आ सकता है और हमारी जो ग्रोथ रुक गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। तो आप किसान भाई ज्यादा यूरिया का प्रयोग भी ना करें, आप हल्की मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें, इससे ये होगा कि किसान भाई उसकी जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और उससे नाइट्रोजन भी मिलने लग जाएगा, जिसका पौधा क्लोरोफिल की मात्रा बनाएगा और हरा भरा दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है किसान भाई, आपको यूरिया हल्की मात्रा में प्रयोग करना है। एक चीज और यूज कर सकते हैं किसान भाई, जो कि इसको कहते हैं किसान भाई सागरिका, सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं हल्की मात्रा में यूरिया के साथ में। अब सागरिका भी अच्छा एक पोषक तत्व है, ये रेगुलेटर भी होता है किसान भाई, और काफी सारे इसमें जो समुद्री शैवाल से बना होता है इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी अन्य फसलों के लिए काफी ज्यादा अति आवश्यक होते हैं। तो आप सागरिका और यूरिया का मिक्स करके आप छींटा दे करके अच्छा तरीके से आप अपनी सरसों की फसल में देखें, उसकी जो ग्रोथ रुक गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना किसान भाइयों, जब आप सरसों का प्रयोग करें तो आप शाम के समय ही सरसों में यूरिया का प्रयोग करें, इससे योगा किसान भाई, आप सिंचाई तो कर नहीं रहे हो तो जो ओस गिरेगी उसकी जो नमी बनेगी उससे क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनेगी सरसों में और यूरिया अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो आपको ये दो कार्य करने के समय आपको यूरिया लेना है, उसके साथ में इफको की सागरिका लेना है, इन दोनों को हल्की मात्रा में लेकर शाम के समय में छिड़काव कर दीजिए, आपकी जो ग्रोथ रुक गई थी किसान भी वो ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा हरा भरा दिखाई देगा और उसमें जो फलियां आएंगी वो भी काफी अच्छी आएंगी, जो फूल बनेंगे वो भी काफी अच्छे आएंगे, आपकी जो दर आएगी वो भी काफी अच्छी निकल करके आएगी। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिल सके और आप काफी अच्छी जानकारी ले सकें।